नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लांजी क्षेत्र के अंतर्गत जिन धान खरीदी केंद्रों को निरस्त किया गया उन्हें यथावत और उसी स्थान पर करने के लिए दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को ज्योतिश्वर उमड़े के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार लांजी को किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ज्योति उमड़े जिला पंचायत सदस्य बालाघाट टुमनलाल घोर मारे, सभापति जनपद पंचायत लांजी युवराज पतले, सभापति जनपद लांजी लिकेश एड़े, सरपंच कलपाथरी अरुण कबीरे, सरपंच पाथर गांव ताराचंद कुचलाहे, सरपंच दुल्हापुर दमयंती धन्ने, सरपंच खजरी चित्रलेखा बापुरे ककोड़ी संतोष यादव, सरपंच कोचेवाही कविता खरे बड़गांव विनय कुचले, सरपंच रामपुर द्वारका बाम्बड़ मिरिया माही भगत, सरपंच बड़गांव पोषण मस्करे चिचोली संजय सरवरे, पूर्व अध्यक्ष सेवा सहकारी कलपाथरी झनकर बड़घैया, पूर्व सरपंच ककोड़ी चमन चौके, पूर्व सरपंच एवं भारी संख्या में किसान एवं जन प्रतिनिधि गण शामिल हुए। आज आपके द्वारा किसानों की कुछ मांगों को लेकर या केंद्र के सदस्यों के धरना प्रदर्शन किया, क्या पूरी मांगे थी और क्या आपको अभी जवाब मिला है शासन की ओर से? लांजी क्षेत्र के जो कुछ केंद्र है जो निरस्त हो गए, तो मेरी मांग थी कि वो पुनः यथावत किया जाए, क्योंकि उसके वजह से किसानों को बहुत परेशानी होने वाली थी। इस वजह से हमने ये मांग की। मैंने 11 तारीख को ये कलेक्टर महोदय जी को इसको ज्ञापन सौंपा था और चेतावनी भी दी कि अगर 5 दिन तक के अगर आपने इसको नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसका लिखित में कोई भी जवाब नहीं आया था। बाद में जब पेपर के माध्यम से जब उनको पता चला कि हम धरना प्रदर्शन गए, तो बस एक ऐसे ही लेटर भेज दिया जिसमें कोई समस्या का समाधान नहीं था, इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया। क्या बोला गया, क्या मतलब क्या? कि दिसंबर तक के केंद्र खुल जाएंगे, जो अभी तो पंजीयन केंद्र खुले हैं, हम इसका समाधान करेंगे करके, बस इतना ही लिखा गया था। लांजी क्षेत्र में कितने हैं ऐसे? कलपाथरी है, गोटी, देवरबेली, बड़गांव, मोजरी, भानी, साडरा भी? हाँ, साडरा भी। मैडम जी, आज क्या आश्वासन दिया गया? अभी तो सोचे ही था कि आश्वासन दिया गया, अभी पता चलेगा। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हमारा बड़ा आंदोलन होगा, और किसानों की जो समस्या है उसके लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी और इससे बड़ा आंदोलन करूंगी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। निरस्त करने के पीछे क्या कारण है? ये तो जानकारी दिए नहीं गए कि निरस्त। हमारा तो सबसे पहले वही मुद्दा था, जो विगत वर्षों से जो संचालित है, विगत वर्षों से वहाँ पर, तो उसमें अभी ऐसी क्या अनपढ़ी जो इन लोगों ने शासन के द्वारा निरस्त किया है? यही तो हमारी मांग थी कि निरस्त क्यों किया गया है, उसका हमें दीजिए, लेकिन उन्होंने इसका आंसर ही नहीं दिया, समस्या का समाधान नहीं। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, जो समिति कृषि समिति है वहाँ पर जो कलेक्टर हैं या जो भी अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी वहाँ बैठते हैं, आप वहाँ पटल पर आप उठाइए इस सदन पर। नहीं तो इस पर उठाया ना, लेकिन उन्हें इसका बस यही कहा गया है कि कुछ हेराफेरी हुई है, बाकी ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। मतलब ठोस कोई कारण नहीं पता है? जी, ठोस कोई कारण नहीं है। हमको वही कारण चाहिए था कि क्यों निरस्त किया गया है। और इसके लिए क्या है, किसान लोगों इसका जो है परेशानी किसानों की हो रही है? परेशानी तो बहुत है ना।